तो कुल मिलाकर आ चुके हैं एक कोर न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ में वापस। अब यार फिर से अपन खेल रहे हैं आईक्यू न्यू 6 के अंदर फाइनली। तो भाई यहाँ पे देखो, आपने शुरू में फाइट देखी थी जो कि क्या ही इंटेंस फाइट थी। अब वो आपको पूरी फाइट देखोगे ना, वहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आएगा। और भाई ऑल ओवर बताऊँ तो इस मैच के अंदर पूरी इंटेंस फाइट होती है और तुम्हारे भाई ने मारे थे 20 किल। अब यहाँ पे मैं हॉट ड्रॉप उतरता हूँ और भाई यहाँ पे आते हैं ढेर सारे बंदे, तो देखो सबसे पहले इनको कैसे निपटाते हैं। अब यार यहाँ पर देखो, आप लोगों में से कुछ लोग डेली कमेंट करते हैं कि भाई हमारा आईक्यू न्यू 6 आपके जितना स्मूथ नहीं चलता है 90 FPS में। तो यार आपको बता दूँ, हॉट ड्रॉप पे आप मेरा खुद का कितना लैग हो रहा है आपने महसूस किया होगा, आपको नहीं लग रहा, लेकिन मैं सच बताऊँ तो मेरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैग कर रहा था। खैर देखो, यहाँ पे एक बंदे को मैं निपटाता हूँ, एक मेरा किल चोरी होता है। अब सामने कुछ बंदे होते हैं, इनको निपटाते हैं, बिना वेस्ट के घुस जाता हूँ। अब यार ये तो खाली एक 1v1 था, लेकिन यहाँ पे आपको भाई आज जो स्क्वाड वाइप करेगा ना तगड़ी तगड़ी, आपको देखते ही मजा आ जाएगा। लेकिन उससे पहले यार, अभी तक भी किसी ने लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले यार सब लोग एक एक काम करो, फटाफट से एक एक लाइक कर दो। और जो चैनल पे नया है ना यार, जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को ठोको, उसको लाल दिख रहा होगा आप उसको जल्दी से ब्राउन कर दो, जो भी कर दो, जो भी कलर करना चाहो कर दो, बस लाल मत रखो। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। अब देखो कैसे बंदे पेलता हूँ। अब यहाँ पे मैंने इस बंदे को इतना डैमेज दे दिया, उसके बाद मैं सोचता हूँ एक मोली करता हूँ इसके ऊपर। इतने में भाई ये आ जाता है। अब मैं सोचता हूँ इस पर नेट करता हूँ, मैं नेट की पिन भी निकालता हूँ। सामने बंदा दिखा, मैं बाहर आके वापस अंदर आता हूँ, तभी मुझे साउंड आता है बंदा इधर से आ रहा है। बूम, भाई क्या ही नेट था। अब यार ये वाला नेट देख के भी आप लोगों ने लाइक नहीं किया, तो फिर क्या ही किया यार, लाइक कर दो फटाफट से। और जिसने भी अभी तक शेयर नहीं किया तो यार एक एक शेयर कर देना अपने दोस्तों। अब एक ये देखो, हमारे काम में बाधा डालने की बोट आ जाता है, तो इसको भी निपटा देते हैं। अब यहाँ पर देखो, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो तुम्हारा भाई पूरा हॉट ड्रॉप क्लियर करेगा, और उसके बाद तो आपको जो 20+ किल देखने को मिलेंगे ना पूरे मैच के अंदर, उसमें तो आहा क्या ही मजा आएगा, आपको देखना बहुत मजा आएगा, बहुत सी इंटेंस फाइट होगी, बस बने रहो। अब फटाफट से यहाँ पे मैं क्लियर करके आगे निकलता हूँ। अब मैं वहाँ से जैसे इधर वाले घर में आता हूँ, तभी मुझे ऊपर से साउंड आता है, तो मैं एक फटाफट से नेट निकालता हूँ और जल्दी से XZ नेट डालता हूँ बिल्कुल अंदर। अब ये नेट फटा है, मुझे डैम चोर है बंदा ऊपर, बिल्कुल डैमेज है, लेकिन मैं फिर भी रिस्क नहीं लेता, ऊपर आके थोड़ा वेट करता हूँ। और जैसे साउंड आया बंदा हीलिंग कर रहा है, तभी भाई घुस जाता हूँ। अब यहाँ पर एक अच्छे साउंड सेंस का एक यही फायदा होता है कि हल्का सा भी साउंड आया ना, अब जैसे कि मैंने इनको डैमेज तो नेट से ये लोग डैमेज तो हो गए थे, बट मुझे नहीं पता था कि ये डैमेज हुए हैं। अब जैसे मुझे हील लगाने का साउंड आया कि बंदा तो हीलिंग कर रहा है, तभी भाई मैं घुस के इनको पेल देता हूँ। तो भाई अच्छे हेडफोन और अच्छे साउंड सेंस का एक ये फायदा होता है। अब यहाँ पर इन दोनों को जैसे ही निपटाता हूँ, तभी भाई मुझे साउंड आता है कि यहाँ पर और भी बंदे हैं, तो देखो अब कितना मजा आने वाला है। अब जैसे मैं इधर आया, तभी मुझे साउंड आता है कि बंदे दो स्क्वाड आपस में लड़ती है, और देखो अब कैसे घुस के पेलता हूँ उनको। अब यहाँ पे जैसे इस बंदे का किल चुराता हूँ, तभी मुझे साउंड आता है, एक बंदा अभी भी ऊपर है, तो उस पर नेड करता हूँ, लेकिन इतने में भाई नीचे से बंदा आता है, तो देखना क्या ही सीन होता है अभी। अब यहाँ पे मैं उसको भी नॉक कर देता हूँ, और भाई यहाँ पे जो ऊपर नॉक किया था मैंने नेट से, वो बंदा शायद से नीचे जा चुका था, तो मेरे को उसका भी फिनिश चाहिए था, और एक नीचे बंदा नॉक किया था उसका भी चाहिए था, तो इसलिए मैं एक नेट की पिन निकालता हूँ और साउंड सुन के सीधा बाहर फेंकता हूँ। तो भाई एक किल तो कन्फर्म आ गया, और एक बंदा अभी भी बाकी था, तो मैं फटाफट टीममेट को बोलता हूँ तू इधर से बाहर जा और मैं ऊपर से कूदता हूँ, तो बस किल मत चुराना, मैं ही मारूंगा उसको। अब बोलता तो उसको यही हूँ, लेकिन देखो क्या होता है, जैसे वो बाहर गया मैं बाहर कूदा, और भाई साहब चमन ने देखो भाई किल चोरी कर लिया भाई, ये बहुत बड़ा
बहुत बड़ा चमन है भाई, इसको जब बोलता हूँ ना, जब ये मेरे किल चोरी करता है, लो भाई सब किल बढ़ा हुआ। अब कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो अभी अपने 12 किल हो जाते हैं और भाई ऑलमोस्ट पूरा हॉट ड्रॉप यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब कुछ कैंपर होंगे भी, बट यहाँ से मैं फटाफट से लूट करके निकलता हूँ। अब वहाँ से हम अपनी चड्डी ओ सॉरी अपनी गड्डी उठा के सीधा आ जाते हैं स्कूल अपार्टमेंट की साइड में। इधर आते ही भाई हमको दिखती है एक स्कोर, तो देखो अब अब यार फिर से यहाँ पे चमन एक किल चुरा जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, दो किल अपन को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो फटाफट से चमन को रिवाइव करते हैं, यहाँ से इनको फिनिश डालता हूँ, क्योंकि भाई रोजो किल पे दो स्कोर होती है और दो से तीन कब हो जाती है वो देखना आपको क्या ही मजा आएगा वहाँ की फाइट में। बस देखते जाओ, फटाफट से यहाँ फिनिश करता हूँ और सीधा रोजो किल पे चलता हूँ। अब जैसे मैं इधर आता हूँ तभी भाई सामने देखता हूँ तो वहाँ पे कुछ फाइट हो रही थी और वहाँ पे स्मोक वगैरह भी हो रहे थे, तो मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई अब उड़ के वहाँ चलना है अगर अपन को किल चाहिए तो। फटाफट से उड़ता हूँ और जल्दी से वहाँ रिच पे पहुँचता हूँ और देखो अब कैसे तबाही मचाता हूँ मैं। आते ही भाई नैड और मोली की सबसे पहले बारिश करता हूँ। अब एक ये नॉक बंदा पड़ा था तो सबसे पहले इसका फिनिश हो रहा था, उसके बाद एक मोली करता हूँ और एक नैड डालता हूँ। अब मैं जैसे सोचता हूँ लेफ्ट का काम और राइट में करता हूँ, सॉरी लेफ्ट में करता हूँ, तभी भाई यहाँ पे देखना है गिली सूट वाला बंदा उठ के दिखेगा, मतलब आता हुआ दिखेगा। इसको नॉक मारा, तभी यहाँ पे एक और बंदा दिखा और भाई साहब यहाँ पे ऑल डेड। अब यहाँ पे ऑल डेड होते ही मेरे को लग रहा था कि यहाँ पे काम खत्म है, लेकिन जैसे ये वाली स्कोर फिनिश करता हूँ तभी यहाँ पे भाई एक और स्कोर आ जाती है और देखना आप क्या इंटेंस फाइट होने वाली है, क्योंकि जो स्कोर अभी आएगी ना उसके साथ साथ बैक टू बैक एक और स्कोर आएगी, तो देखना आप क्या ही फाइट होगी। फटाफट से ये मशीन गन उठाता हूँ और तबाही इसी से मचाने वाले अपन। अब यहाँ से हम लूट वगैरह कंप्लीट करके निकल ही रहे होते हैं तभी मुझे साउंड आता है कि भाई पीछे एक कोर स्कोड आई है, मतलब कि एक गाड़ी आई है, तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ और इन पे रैंडम नेट वगैरह फेंकता हूँ और अब देखो एक बार ये वाली फाइट। डैमेज हुआ थोड़ा बहुत नेट। अब यहाँ पर मैं एक नेड और एक मोली कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखना थोड़ी देर में किलफिड आएगा कार 98। अब यहाँ पे मैं समझ जाता हूँ कि जरूर यहाँ पे एक बंदा नॉक हुआ है और भाई एक M24 से भी नॉक हुआ था। तो भाई ये होता है कि आपका एकदम है ना जो सेंस है ना बहुत तगड़ा काम करना चाहिए, इसीलिए थोड़ा माइंड लगा के खेला करो ताकि आपको समझ आए। किल फीड भी नोटिस किया करो, बहुत काम आती है ताकि आपके आसपास क्या हो रहा है आपको समझ आता है। अब जैसे ही मुझे कार 98 का साउंड आया जस्ट सामने वाली साइड से, तभी मैं समझ गया कि बंदा यहीं पर नॉक हुआ और मैं अंदर घुस के किल चुरा लेता हूँ। अब भाई जिसका मैंने किल चुराया ना उसको बहुत भयंकर गुस्सा आ रहा होगा, और जो बंदे अभी दो नॉक हुए थे जिनका मैंने किल चुराया उनके स्कोर का एक बंदा और आता है जो कि भाई फेरस एक्स सूट था। तो देखो अब जैसे मुझे गाड़ू का साउंड आएगा इस पे स्प्रे लेता हूँ। अब भाई लिटरली ये 1 HP होगा, लेकिन भाई यहाँ पे बाल बाल बच जाता हूँ कि मुझे फिनिश नहीं करता, तो फटाफट से टीममेट को बुलाता हूँ और रिवाइव करवाता हूँ अपने आप को। इतने में भाई बंदा रश कर देता है, तो देखो आप। अरे बहुत ही बढ़िया मेरे शेर, अरे भाई आप पे एक सूट होगा वो आपके घर की बात है, लेकिन हमारे चमन के आगे कुछ भी सब फीका है। अब यहाँ पे आप नेड साउंड सुनी रहोगे और भाई गन साउंड सुनी रहोगे, बंदे जो कि अंधा कर रहे थे क्योंकि उनको पता है हम यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा भाई यहाँ पे सीधा भग जाता है, समझ रहे हो भाई, जब भी आपकी 1 HP हो ना तो समझदारी इसी में सीधा भग जाओ। लेकिन देखो इनको कितना गंदा पेलूंगा, देखो बस अब जैसे ही यहाँ पे आता हूँ फटाफट से हील करता हूँ और देखो अब उड़ के वापस यहीं आओ फटाफट आओ। अब यार वहाँ पे एक स्कोर के अलावा एक स्कोर और आ जाती है जो कि मेरा टीममेट बोल रहा था फटाफट आओ, तो मैं जाने के लिए फटाफट से बीम लगाता हूँ। इतने में भाई वहाँ पे एक स्कोर ऑलरेडी हो जाती है, पता नहीं क्या सीन होता है बस गन साउंड नहीं आते। अब जैसे मैं जाने के लिए रेडी होता हूँ तभी वहाँ पे मुझे एक बंदा दिखता है। अब दो हो गए, लेकिन अब देखो एक स्प्रे में दोनों को कैसे लपेटूंगा। अब यहाँ पर जैसे ही इन दोनों को मैं नॉक करता हूँ तभी भाई मैं बिल्कुल भी वेट नहीं करता, तुरंत उड़ता हूँ और भाई इन पे मार देता हूँ पुश। और अब देखो यहाँ पे आते ही जैसे ही आया किल चोरी हो रहे हैं यार। अब यार यहाँ पे पता नहीं किल चोरी हो रहा है, टीममेट बोल रहा था कि यहाँ पे एक स्कोर और है, इसलिए फटाफट से इनको फिनिश डालता हूँ। अब एक बंदा इनका मेरे पे रश करता है जो कि इन भाई सब को भी मैं निपटा देता हूँ। अब इसका एक लास्ट बंदा बचता है जो कि देखना मेरे टीममेट को मैं आगे भेजता हूँ क्योंकि मेरी HP भी लो थी।
और भाई मैंने अच्छा किया मेरे टीममेट को आगे भेजा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट देखो मेरे को भी ले जा चुका है और मेरे टीममेट को भी बिल्कुल लो कर दिया था। इसलिए भाई जब भी आपको लग रहा हो ना डाउटफुल है, तभी भाई जो आपका माइंड कहता है ना वो काम क्यों, वो काम मतलब करा करो। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं भी, बोल बोल के थक गया हूँ भाई, कितना बोल रहा हूँ। तो देखो अब यहाँ पे मेरे 23 किल हो जाते हैं और मेरा गोल था 30 किल करने का, तो अब 30 किल में क्या कर पाऊंगा देखना मेरे साथ क्या होता है गेम प्ले में। तो बस फटाफट से यहाँ पे हीलिंग वगैरह करता हूँ, लूट वगैरह करता हूँ और जल्दी से यहाँ पे निकलता हूँ जोन के लिए। अब वहां से हम जैसे इधर आते हैं तभी यहाँ पे मेरे टीममेट को सामने की साइड में एक बंदा दिखता है, तो सीधा स्लैम मारते हैं इस बंदे के ऊपर। अब वहां पर जैसे हम पहुंचते हैं तभी भाई हमको साउंड आता है कि यहाँ दो बंदे हैं, तो फटाफट से ऊपर जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं ऊपर आ तो जाता हूँ लेकिन यार दो बंदे जो सामने थे ना वो भाई इतना गंदा कैम कर रहे थे कि मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अब यहाँ पे एक नेड की पिन करता हूँ, इतने में भाई मेरे पे नेड आ जाता है, तो मैं थोड़ी देर रुकता हूँ और उसके बाद अब अपना नेड फेंकता हूँ, क्योंकि अब मुझे एग्जैक्ट लोकेशन तो पता थी बंदे की किधर है और मैं नेड भी वहीं फेंकता हूँ। बट यार बंदा बिल्कुल भी ना डैमेज होता है ना बंदा फटता है, इतने में साउंड आता है कि बंदा गाड़ी लेके भगता है। देखो सुनो, और मैं इसमें अंधा पुश कर देता हूँ, लेकिन देखो अब मेरे साथ क्या होता है। भाई लिटरली इसने मुझे क्या ही मारा यहाँ पे यार, इतना गंदा मारा है ना भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आया इसने मुझे कैसे मार दिया। अब यहाँ पर मेरे को इस बंदे ने कैसे मारा, मैं कैसे मारा, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता ये बंदा लेजिट है या हैकर है। अब आपको क्या लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना। फिलहाल तो मैंने इसको देखो यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह मार दिया था, क्योंकि मुझे बहुत गलत मारा था इस बंदे ने, और मैं जब इसको देख रहा था ना तब भी ये बंदों को बहुत ज़्यादा गलत मार रहा था। लेकिन अब पता नहीं यार, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना ये लेजिट है या फिर पता नहीं क्या है, इसने पूरा गेम प्ले मेरा खराब करके रख दिया, पता नहीं कैसे मर गया मैं। फिलहाल देखो बस यार वीडियो में आज इतना ही था, और आपको बता दूं कि आपका भाई आईक्यू नियो 6 में वापस से कमबैक कर लिया है, तो अब और भी तगड़े तगड़े गेम प्ले आने वाले हैं। फिलहाल मैं कोशिश करूंगा देखो 25-30 किल के गेम प्ले लेके आऊंगा एकदम खतरनाक वाले। तो बस जो भी नया है ना वीडियो पे फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, और जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है तो यार जल्दी से लाइक कर देना वीडियो को, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, बोलो भारत माता की जय।